पूरे इंडिया में लहर ही मोदी की है। नंबर एक ये 370 मोदी जी ने कहा था, 378 तो आ रही हैं बीजेपी की, 400 प्लस जा रही है एनडीए। अच्छा। 416 में जाके टिकेगी है सारे। कोई ऐसा काम मोदी जी ने नहीं किया जो मतलब आपको अनलाइक हो, टोटली काम सारे लोगों ने पसंद किए हैं। इन्होंने सोचा बहुत है देश के लिए, तो मोदी जी तो इनको तो कोई हराने वाला तो कोई हुआ ही नहीं ना आज तक, कोई पैदा नहीं हुआ हराने वाला मोदी जी को। फिलहाल तो अभी संजय टंडन जी आए कमल के, और तो यहाँ पे कांग्रेस से कोई भी नहीं आया मैम, सिर्फ संजय टंडन जी आए हैं। शहर का डेवलपमेंट तो मैम मोदी जी कर ही देंगे, हमारे लिए तो मोदी जी कामों के लिए, उनके जितने भी काम है जितना वो परफेक्ट डिसीजन ले सकते हैं, और कोई नेता में इतना दम है आप ही बता दीजिए, कोई भी ऐसा नेता हो जितने भी आज तक उन्होंने डिसीजन लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही फास्ट लिए, चाहे कोरोना का टाइम हो, चाहे नोटबंदी हो, या कोई भी, चाहे पाकिस्तान का मुद्दा, किसी का भी हो, जितना उन्होंने किया और कोई नेता में इतना दम है नहीं। 70 साल हो गए हिंदुस्तान को आज़ाद हुए, क्या हुआ कभी इतना बोल्ड डिसीजन किसी ने लिया? बीजेपी में ही ऐसा दम है जो वो सॉल्व कर सकती है, पहले भी उन्होंने किए हैं।